स्वागत है आपका महेंद्र सरकार। विजयपुर जिला बसवंत भागीवाड़ी तालुका के कनकाल के दरगाह शाबुल हसरत हजरत शाबुल हसन खादरी का जो नामी दरगाह है, आज वो दरगाह का कहीं केसों के वजह से इनकी या उनकी कहीं पर तो एक केस तो चलता ही रहता है, ये अब तो यहाँ पर भी एक शिकायत ऐसा ही चल रहा था। अब यहाँ पर अचानक रातों रात आ गए बिना पुलिस सिक्योरिटी के, यहाँ पर किसी को समझाए बुझाए यहाँ पर आकर इस दरगाह का ताला तोड़ दिया और खुद अपने लोगों को लाकर गुलपुशी किया और इस दरगाह में चले गए। अब तो बात यह है, हर चीज की एक कानून की हद होती है, यहाँ पर किस कानून से आकर ये ताला तोड़ दिए ये तो मालूम नहीं। अब तो सूफी संतों के ही दरवाजे नहीं छोड़ रहे हैं, अब तो ये दरवाजा ताला तोड़ने से पहले इस दरगाह का कम से कम ये सोचना चाहिए था, ये सूफी संत का नाम कहाँ तक है, ये सूफी संत की ताकत क्या है, ये सूफी संत को चाहने वाले कितने हजार लोग होंगे, कितने करोड़ लोग होंगे, ये तो सबसे पहले ताला तोड़ने से पहले सोचना चाहिए था। कानून का दरवाजा तो खटखटाते हैं, मगर किसको कानून का जो फैसला मिलता है उसी का तो इजाजत तो हो जाता है, मगर इस छोटे से गांव में अगर कोई पुलिस सिक्योरिटी भी नहीं है, यहां पर कुछ भी नहीं है, अगर कोई भी यहां पर बुरा हादसा हो जाता या तो किसी की जान लेना हो जाता, किसी से झगड़े लफड़े हो जाते, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है, ये तो सैकड़ों सवाल ये उठता है। अब तो प्रेस मीटिंग में तो कह दिए चुके हैं, मगर कितना अब तो संबंधित वक्फ बोर्ड भी कहाँ चला गया वो भी पता नहीं, वहाँ के अधिकारी भी यहाँ पर इजाजत दी या नहीं, या कानून की इजाजत है या नहीं, ये तो पता नहीं है, मगर इस सूफी संत के नामी दरगाह को आकर ताला तो तोड़ दिया। अब देखेंगे प्रेस मीट में क्या कहते हैं, दिखाएंगे हम आपको एक रिपोर्ट में। जो हमारे भाई मुस्तफ़ा कादरी जो वकील जो आपको बताए फैक्ट वहाँ पे जो 26 को क्या घटना घटी उसके बारे में बताएं, और मैं जो है इसमें लीगल पॉइंट्स ऑफ व्यू से क्या करना चाहिए था वो बताने के लिए मैं आपको एक चंद बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब उनको ऑर्डर पास किया गया है मुतवली का, तो वह ने जो जजमेंट और डिग्री का रेफरेंस दिए हैं ऑर्डर में, वो जजमेंट और डिग्री को एग्जीक्यूट करना चाहिए था, ना कि गुंडागर्दी करना। गुंडागर्दी करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं था और है, और इसीलिए मैं है ने आपको वो जो ऑर्डर के लिए जो ऑर्डर लेके आए मुतवली साहब उसके लिए हमने ऑब्जेक्शन भी फाइल किए हैं, और वो ऑब्जेक्शन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने कब कब उसको ऑब्जेक्शन दिया कि आदमी को मुतवली नहीं बनाना, और उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस भी रजिस्टर्ड हैं और पेंडिंग भी चल रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 1 दिसंबर 2021 को हमने ऑब्जेक्शन दिया है सीओ बेंगलोर को कि उनको मुतवली अपॉइंट नहीं करना, और उसके बाद जो है 24 फरवरी 2022 को दिया है हमने, और उससे पहले है ना
4/3/2020 को दिया है, और उससे पहले जो है हमने 2017 और 16 को भी ऑब्जेक्शन दिए हैं कि इनको है ना मुतवली अपॉइंट नहीं करना बोलकर, क्योंकि अभी जो सब जुडाइज नहीं हुआ है केस, अभी फाइनलिटी तक पहुंचा नहीं है, हाईकोर्ट में पेंडिंग है, पेंडिंग रहते पर आप कुछ मत करो बोलकर हमने ऑब्जेक्शन दे, तो भी जो है एडिशनल सीओ साहब जो है उनको मुतवली अपॉइंट कर रहे हैं इलीगली तौर पर, और हमारे जो ऑब्जेक्शन है वो कंसिडर ना करते हुए वो पास करे हैं, उसके लिए जो फाइट है वो हम हाईकोर्ट में करेंगे उसके लिए। और अभी जो ये पोजेशन कब्जा देने के लिए ना ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ, तालुका में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हैं, सीपीआई साहब हैं, वर्क बोर्ड ऑफिस हैं, ये जो ऑर्डर और जजमेंट होता है तो उसको एग्जीक्यूशन पिटीशन डालकर कोर्ट से इन्हें कब्जा लेना चाहिए, वैसा वो लोग नहीं कर रहे हैं, दांडुर्गी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर हमको हरेसमेंट कर रहे हैं, इसके लिए क्या है उनके ऊपर कानूनी क्रम लेना चाहिए बोलकर हम सीपीआई साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं। किसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं ये स्पष्ट कीजिए। सुल्तान अहमद खादरी जो है मुतवली जो बनकर आए हैं उनके सारे बच्चे जो चार बच्चे हैं उनके रब्बानी बद्रे आलम नूरे आलम समदानी ये चारों बच्चे बाप और सब मिलकर रहने आपको वीडियोस के साथ रहने हम शेयर करेंगे वीडियोस भी आप देख लो कि किस तरह का कब्जा है ये है ना अकॉर्डिंग विद लॉ नहीं है कानून के हिसाब से है ना उनको कब्जा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವನ ಬಾಗೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಕಾಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಶಾ ಅಬುಲ್ ಹಸನ್ ಖಾದ್ರಿ ಉರ್ಫ್ ದಸ್ತಗೀರ್ ಸಾನಿ ದರ್ಗಾ 26/8/2022 ಸುಮಾರು 8 ರಾತ್ರಿ 8 ಅಥವಾ 8:30 ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೈಯದ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಹಮದ್ ಖಾದ್ರಿ ಸೈಯದ್ ಅಮ್ಜದ್ ಖಾದ್ರಿ ಮತ್ತು ವಕಫ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಕಫ್ ಮಂಡಳಿಯ ಹಬೀಬ್ ಸರ್ಮಸ್ ಅಂತ ಹಬೀಬ್ ಸರ್ಮಸ್ ಅವರು ಇನೋವಾ ಕಾರ್ KA28N5614 ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸುಮಾರು 80-100 ಜನರ ಒಂದು ಬಳಗತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ದರ್ಗಾದ ಚಾವಿಯನ್ನು ಒಡೆದು ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತೆಜರಿಗಳನ್ನು ದೋಚಿಕೊಂಡು ದರ್ಗಾ ತೆಜರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಣವನ್ನು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ 100 ಜನರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿರ್ತೀರಾ ಸರ್? ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನು ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ನನ್ನ ಕಡೆ ಪ್ರೂಫ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದರ್ಗಾವನ್ನು ಹೊಡೆಯಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಿವೆ, ಅವ್ರು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಸಹಿತ ಇದೆ. ರಾಜಮಂಡಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ಸ್ನು ಇದೆ ಸರ್, ಅವ್ರ ಕಾರ್ನೂ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕಾರ್ ನಂಬರ್ನೂ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಸರ್. ನಿಮ್ದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಆಗ್ರಹ ಇದೆ? ನಿಮ್ದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೇ ಆಗ್ರಹ ಇದೆ, ಬಿಜಾಪುರ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಈ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಸೈಯದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಖಾದ್ರಿ, ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು.